वो घुस खुद मोदी लेते हैं या हम लोग देते हैं खुद अपने से? इस पे रोक कौन लगाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति लगाएंगे? अमेरिका से यहाँ क्या मतलब है? कौन लगाएंगे? आप खुद काम करने के लिए, दरोगा जी एक काम कर दीजिए, हमारा बच्चा को बचा लीजिए, हम पैसा देते हैं। मोदी जी कहने आते हैं आप? स्कूल पहले चलता था, आज बंद है। चल रहा है लेकिन कम हुआ है। ज्यादा है, पहले से ज्यादा है घुसखोरी? पहले घुसखोरी है, हर डिपार्टमेंट। हम भी ग्रस्त है, अभी 14 वर्ष से हम देखे फाइल लेके घूम रहे हैं। देश का चौकीदार कौन बना था? चौकीदार से काम नहीं चलता, खुद देश का चौकीदार कौन बना था? जवाब दे दे। चौकीदार कौन बना था? चौकीदार याद है? चौकीदार बने से कोई फायदा नहीं। कौन बना था? उसको अपने खुद बनना चाहिए, अपने हम सामान को खुद करें। ये सरकार नहीं रहेगा। काम तो जो देश के लिए करे वो तो कोई करने वाला नहीं है, न करेगा। देश के लिए मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं? क्या क्या क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रोड बनवा रहे हैं, ये जो है नौकरी दे रहे हैं। नौकरी कितना दिए है? नौकरी कितना दे रहे हैं? बर्बाद करके रखा है मोदी जी, बैठ के क्या कर रहा है? 2 बार वोट दिए हैं, अभी नहीं मिलेगा उसको। लोक शिकायत में हम 14% दौड़ रहे, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, चीफ मिनिस्टर के यहाँ, गृह मंत्रालय, पीएम, अभी हमारे पास पेपर है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, आप जाइए न्यायालय में। क्यों, ये लोक शिकायत क्या न्यायालय नहीं है? बंगाल इंडिया में है कि विदेश में है? बंगाल इंडिया में है कि विदेश? इंडिया में। वहाँ पर क्या है, महंगाई पर कंट्रोल है? वहाँ पे महंगाई पे कंट्रोल क्यों? ऐसा तो बात है नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा ज्यादा, आपको पता होगा। आप बताइए भैया, हम तो आपसे आपके मन की बात जानने आए। मोदी जी तो मन की बात बता दिया, अब हम लोगों के मन की बात। मेरे 4 भाई बेरोजगार रहते क्या? नहीं रहते। 2 करोड़ में भी तो वही भी आते है ना, 125 करोड़ में आते, जरूरी थोड़े है 2 करोड़ में। जरूरी थोड़ी है यार, छोड़ो यार। अच्छा आपको क्या लगता है 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में हमारे से ख्याल है कि 95 होना चाहिए। 10 में 95 कैसे दे दीजिए? 10 में पूछ रहे, 100 में नहीं, 10 में कितना दे? 10 में 8 तो हो जाएगा। अच्छा 2 नंबर क्यों छोड़ रहे हैं? 2 नंबर क्यों छोड़ रहे हैं? अगेंस्ट के लोगों के साथ, अगेंस्ट के वजह से, अगेंस्ट पार्टी की वजह से छोड़ना पड़ेगा, और किसके लिए छोड़ना पड़ेगा? क्या 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 अच्छा काम कर रहे हैं मोदी? काम तो जो देश के लिए करे वो तो कोई करने वाला नहीं है, न करेगा। देश के लिए मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं? क्या क्या क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रोड बनवा रहे हैं, ये जो है नौकरी दे रहे हैं। नौकरी कितना दिए हैं? नौकरी कितना दे रहे हैं? नौकरी जहाँ तक है तो हमारे समाज 30% दे रहे हैं। बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार। हाँ तो देते ही होंगे, थोड़े देते ही होंगे, क्या होता है? डेटा क्लियर है, नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जमीनी विवाद में भी है, कोई आपके पास है जमीन जो है किसी एक दूसरे को दे रहा है जबरदस्ती, उसका भी कोई आपके पास प्रावधान? हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं वो है? 2 करोड़ रोजगार? 2 करोड़ तो नहीं, तो 50% तो जरूर मिल रहा है, ये थोड़े एक नहीं। 1 करोड़ मिल रहा है साल में करीब करीब, तो हमारे जहाँ पता नहीं हो वही। आपको क्या लगता है? प्रूफ है आपके पास मोदी जी दिए हैं जब? प्रूफ है आपके पास? पेपर की वजह से और टीवी के हिसाब से हम चल रहे हैं। बर्बाद करके रखा है मोदी जी, बैठ के क्या कर रहा है? 2 बार वोट दिए हैं, अभी नहीं मिलेगा उसको। अब क्या मिलेगा नहीं वो तो भविष्य बता। नौकरी कहाँ मिला भाई? तो सही हो गया ना रेलवे का टाइमिंग? क्या बात कर रहे हैं, पहले से बहुत टाइमिंग सही हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा। अभी कोई ट्रेन लेट नहीं है? नहीं कोई ट्रेन लेट। आप निकाल कर देखिए भैया, कोई ट्रेन है अभी बहुत? क्या भैया कोई ट्रेन? इतना स्टेशन पे स्टॉपेज कर दिया, वो आ नहीं रहा ड्यूटी पड़ना में जो प्राइवेट जॉब करते हैं। अपना मतलब ही मत रखो भाई। भैया लेकिन हमारे हैं, लेकिन पहले से बहुत सुधार है। 1500 रुपया प्रत्येक महीना भाड़ा दे के आ रहे हैं। धीरे धीरे सुधार होगा, सोचिएगा एक बैग सुधार हो जाए। कितना साल हुआ मोदी जी? मोदी जी का 15 साल हुआ होगा। 15 साल हो गया? कब बने थे पीएम? पीएम 10 साल, सॉरी 10 साल हुआ। कब बने थे? हम इनका जोड़ रहे हैं। इनका जोड़ रहे हैं? क्या कहता है, नीतीश जी का जोड़ रहे हैं। मोदी जी कब बने थे? मोदी जी मेरे ख्याल से 2000, उतना याद नहीं है, फिर भी 2000। मोदी जी कब पीएम बने थे आपको याद नहीं? 15 में लोकसभा चुनाव हुए थे। 15 या 14 में हुआ था भैया, उतना हम हिसाब किताब कितना पता? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, नहीं पकड़ते हैं। पता है कि मोदी जी अच्छा काम एकदम कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? देखिए आज पहले घुसखोरी चलता था, ज्यादा चलता था, रेलवे प्राइवेट हो गया। घुसखोरी पहले चलता था, आज बंद है। चल रहा है लेकिन कम हुआ है। ज्यादा है, पहले से ज्यादा है घुसखोरी? पहले घुसखोरी है, हर डिपार्टमेंट। हम भी ग्रस्त है, अभी 14 वर्ष से हम देखे फाइल लेके घूम रहे हैं, नीतीश के यहाँ, दुनिया जहाँ, और जमीने के लेकर खाता बदल कर, उसके बाद उसको जो है लास्ट में पदाधिकारी। अच्छा मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है कि बढ़ा है? देखिए अब आपके हिसाब से कम हुआ है कि बढ़ा है?
कुछ कम हुआ है नेता मधुबनी, कम या बढ़ा? कम हुआ है। कम हुआ है कि बढ़ा? मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार कमा या बढ़ा? कम हुआ है, उसको गिनती कमा या बढ़ा? दस रुपया में काम होता था, आज 100 रुपया में हो रहा है। हम लोग ना बढ़ा रहे हैं, आबादी मोदी जी ने ना बढ़ा रहे हैं। आबादी हम लोग ना बढ़ा रहे हैं कि मोदी जी बढ़ा रहे हैं आबादी? अब हमारी बात को सुनिए, हम आएंगे आपके पास। हम लोग बढ़ा रहे हैं, मोदी जी बढ़ा रहा है? अरे हम लोग मोदी जी बढ़ाता है, मोदी जी बढ़ाता है कि हम लोग बढ़ा रहे हैं आबादी? बंगाल, ये सुन सुन मिली बंगाल इंडिया में है कि विदेश में है? बंगाल इंडिया में है कि विदेश? इंडिया में है। इंडिया में वहाँ पर क्या है, महंगाई पर कंट्रोल है? वहाँ पे महंगाई पे कंट्रोल क्यों? ऐसा तो बात है नहीं, काहे कि केंद्र है, केंद्र का जहाँ विभाजन रहेगा वहाँ चावल कैसे है? चावल चावल नहीं, लेकिन अरे चावल सब खाने पीने वस्तु बताइए वहाँ कैसे है, यहाँ किस चीज में महंगाई कम है? वहाँ कितना होता है? यहाँ जमीन कट्ठा होता है, क्या जानते हैं? वहाँ ज्यादा कट्ठा होता है, यहाँ एक कट्ठा होता है, वहाँ यहाँ ज्यादा महंगाई है, वहाँ यहाँ ज्यादा लोग परेशान है। जितना अच्छा बिहार है, सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। मोदी जी क्या बोले, हमारा देश है, हम अपने बारे में बोले कि मोदी जी तो अपना कर्म कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार कमा की बढ़ा है? भ्रष्टाचार पर कंट्रोल एकाएक तो होगा नहीं। अच्छा मोदी जी आ जाए हैं, 9 साल हो गया नेट पर काम हो रहा है, अब उसमें भ्रष्टाचार वो नहीं है, भ्रष्टाचार हम हैं, हम अफसर हैं, ब्लॉक का हो, स्कूल का हो, कहीं का है, हम भ्रष्टाचार। लेकिन पीएम भ्रष्टाचारी थे क्या? ऐसा नहीं था, कहीं भी ऐसा नहीं होता, लेकिन वो अपनी जगह पर है, हमारे बिहार में जहाँ हम है। बिहार नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार कमा है कि बढ़ा है? भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है पहले बताइए हमको समझ में नहीं आता हमको। आपको नहीं पता भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार का मतलब होता है किसी घूस लेना, लेना देना। तो घूस खुद मोदी लेते हैं या हम लोग देते हैं खुद अपने से? इस पे रोक कौन लगाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति लगाएंगे? अमेरिका से यहाँ क्या मतलब है? कौन लगाएंगे? आप खुद काम करने के लिए, दरोगा जी एक काम कर दीजिए, हमारा बच्चा को बचा लीजिए, हम पैसा देते हैं। मोदी जी कहने आते हैं आपको? आप शौक से पैसा देते हैं कि दरोगा जी काम नहीं करते तब पैसा देते हैं? शौक से अपना करवाते हैं हमको? शौक से पैसा देते? नहीं भैया, शौक से भ्रष्टाचार? नहीं, शौक से पैसा? अब आगे मजबूरी क्यों है? जैसे हम जमीन लिए, रसीद नहीं कट रहा, सुन लीजिए इनकी बात, जमीन लिए रसीद नहीं कट रहा है, भैया पैसा दीजिए। रसीद क्यों नहीं कट रहा है? रसीद क्यों नहीं कट रहा है? वहाँ भ्रष्टाचार जैसे बढ़ा हुआ है, तो कर रहा है पैसा दो, कट कर देंगे, नहीं तो पढ़ रहे फेंक पेन रहेगा, पढ़ रहे। कौन बढ़ा रहा है, ऑफिसर बढ़ा रहा है कि जनता बढ़ा रही है? सर ऑफिसर बढ़ा रहे हैं ना, ऑफिसर। हाँ काम कौन लगाएगा? ऑफिसर जनता के अंदर की, लेकिन उसको मन बढ़ाने वाले हम लोग हैं। जैसे हमारे आप यहाँ कोई मार दे दो चार तड़ी, सुन लीजिए हमको दो चार तड़ी कोई मार दे तो पब्लिक बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसी प्रकार पब्लिक में क्या है, पब्लिक तो भेड़ बकरी की तरह जिधर जा रहा है उधर जा रहा है, घुस देना उसका काम है। भाई हमको काम चाहिए, काम नहीं होता है तब लोग घुस देता है। आपको यहाँ कोई धर के अगर पीटने लगे तो ये बोल रहे हैं लड़ने की शक्ति आप लड़िए अपने से, जीवन जैसे जीवन से अपने से लड़े। सरकार की कोई दायित्व नहीं है, सरकार की दायित्व कब होगा? जब आप कोर्ट जाइए, जैसे आप कोर्ट से सरकार से लड़िएगा तब ना, जैसे हमको रसीद नहीं कट रहा। सुनिए अब मेरी बातों को सुन ले, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो 100 रुपया मांग रहा हम कोर्ट चले जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो 100 रुपया मांगे हम कोर्ट चले जाए, तो वो अपने सुधर जाएगा, अपने सुधर हर चीज में कोर्ट जाइए। अच्छा वकील का पैसा दीजिए, वकील को पैसा दीजिए, वकील आप कोई सरकार कोई सरकार की कोई दायित्व नहीं है, सरकार अपने सुधर जाएगा, अपने सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा। जैसे दरोगा नहीं पैसा देंगे हम, हमारा माहौल ठीक है, आप रिपोर्ट गलत लिख रहे हैं, गांव वाला सही रिपोर्ट दे रहा है, तो वो कोई केस बना ही नहीं सकता है। जब हमारा माहौल ठीक है, हम अपने ठीक है, तो वो केस बनाने का सरकार निगरानी नहीं रख सकती है, सीसीटीवी नहीं हो जाएगा। सरकार को क्यों बिठाए? सरकार जब आप अपने उस पर कंट्रोल कीजिएगा तब ना रोक लगाएगा, अपने तो सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती है, जैसे मैं कि नहीं आप जमा नहीं कीजिएगा तो चोरी होगा, जमा नहीं कीजिएगा चोरी होगा जी, होगा जब बाहर प्रशासन खड़ा रहेगा, ईमानदार चप्पल पे ध्यान देगा, प्रशासन ईमानदार रहेगा तो एक बचेगा, प्रशासन चप्पल पे ध्यान नहीं देगा। अरे देश का चौकीदार कौन बना था? चौकीदार से काम नहीं चलता, खुद देश का चौकीदार कौन बना था, जवाब दे दे। चौकीदार कौन बना था? चौकीदार याद है? चौकीदार बने से कोई फायदा नहीं, कौन बना था? उसको अपने खुद बनना चाहिए, अपने हम सामान को खुद करें, कर दीजिए सरकार नहीं रहेगा, कैसे नहीं रहेगा? अरे पैसा के बल पर बनवे कर, कोई ना कोई बनवे करेगा, पैसा के बल पर बनवे करेगा। मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा या कमा? कमा है। बढ़ा या कमा?
सब नेता वही होते हैं, सब बराबर है। भ्रष्टाचार क्या, भ्रष्टाचार सब में होता है। मोदी जी के आने के बाद बढ़ा के कमा, क्योंकि वो शुरू में बहुत चोट करते, वो सब कुछ नहीं, वो उनका सरकार है, उनका बना हुआ है, तो वो अपने में कोई ईडी का छापा नहीं मारते, अपोजिट पे मारते हैं। अपने पे तो एकदम ईडी से, कोई भाजपा में जितने भी नेता मंत्री है सब एकदम दूध के धुले हैं। जो कांग्रेस से चाहे किसी पार्टी चले गए वो वॉशिंग मशीन हो गया। अगर कोई विपक्ष मजबूत विपक्ष बनकर आ रहा है तो मोदी जी उस पर छापा परवा दे। बिल्कुल वही चल ही रहा है अभी, बस और क्या, जो इसमें जो जाएगा बीजेपी में वो वॉशिंग मशीन हो जाएगा, वॉशिंग मशीन में धूल के आ जाएगा। और क्या मतलब, भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार सब में होता है, हमेशा रहेगा, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हुआ ना। क्यों नहीं होगा, उस तरह ही नहीं, नेते ही खुद भ्रष्टाचार करवाते हैं। हाँ। जनता का लूट के पैसा, नेतृत्वहीन हो गया है भारत। बिल्कुल जनता ही का पैसा लूट के सब नेता रैली करने, क्या जरूरत है उस पैसा में देश में खर्चा करें। भ्रष्टाचार इसलिए नहीं कम होगा, यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी या कर्मचारी ब्लॉक का है चाहे कोई स्तर का आदमी है, वहाँ पर सीधे कहता है कि सुनिए, वो सीधे कहता है कि न्यायालय में आप जाइए। देखो न्यायालय लायक नहीं है, लोक शिकायत में हम 14% दौड़ रहे, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, चीफ मिनिस्टर के यहाँ, गृह मंत्रालय, पीएम, अभी हमारे पास पेपर है। उसके बाद वो क्या कहता है कि आप जाइए न्यायालय में, क्यों ये लोक शिकायत क्या न्यायालय नहीं है, तो वो अपना उल्लू सीधा करेगा। भ्रष्टाचार बढ़ा है कि कमा है मोदी जी का? बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? पहले 10-15% कमीशन लोग लेता था, अब 40% ले रहा है। 40% ले रहा है? हाँ। कौन ले रहा है? जितने सरकारी कर्मचारी हैं उसमें नेता लग को हिस्सा जाता है, नेता को भी हिस्सा जाता है। हाँ, मोदी जी रोक नहीं लगाते हैं? मोदी जी के बसे का चीज नहीं है ये। किसके बस का चीज है? अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़े लगा। वो जितने हम लोग, सुन आएंगे भैया, जितने हम लोग जनता हैं यही एकजुट होकर जो मांगे पैसा उसको वही गरीब मौली के मार, चाहे योगी साहब लेखा काउंटर। योगी जी के राज में नहीं होता भ्रष्टाचार? खूब होता है। लेकिन जो मान ले काउंटर कर दे, कोई काम के लिए पैसा मांग रहा है तो एक जनता का कमिटी होना चाहिए कि वो सब मिल कर जाए और उनको जूता चप्पल क्या भ्रष्टाचारी है और उनका बढ़िया से स्वागत कर। जनता में है कि जो हम लोग ऐसा नेता को चुन के भेजते हैं, मोदी जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, नीतीश जी, मोदी के नाम पर इलेक्शन जीत रहे हैं तो वो कुछ रहे या मत, हम कहते चोर रहे हैं, मोदी जी आएंगे हमको जिता देंगे, क्या बात। जनता भ्रष्टाचार बढ़ा है कि कम है? मौन हो यार, तुमको क्या अनुभव प्राप्त हुआ है, बढ़ा है कि कम है? बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार बढ़ा है कि कम है? बस दो मिनट रुक गया सर, 2 मिनट रुक गया। भ्रष्टाचार कम है कि बढ़ा है? चलिए सभी लोग यहाँ से गायब हो गए, कोई भी बोलना नहीं चाहेंगे और कहेंगे कि देश सुधरना चाहिए, यही यहाँ की हालात है। चलिए तो आप भी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और आप भी लिखें कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कि कम है मोदी जी के आने के बाद।